हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टू अवेयरनेस। और आज के संडे स्पेशल के वीडियो में बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग कानपुर न्यूज़ की। पहली न्यूज़ है आपकी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पर, जिसमें आप देख सकते हैं ये मेट्रो ट्रेन के बारे में है जो कानपुर में चल रही है। तो सन्नाटे में दौड़ रही है कानपुर की मेट्रो। 10 से 12 यात्री ही सफर कर रहे हैं और कमिश्नर जो ढूंढते रहे यात्री, जिन्हें सभी सुविधाएं सही मिली लेकिन यात्री नदारद मिले। तो एक साल बाद भी कानपुर मेट्रो में सफर करने वालों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। पूरे दिन में औसतन 400 से 500 यात्री ही मेट्रो में सफर कर रहे हैं। शनिवार को कमिश्नर डॉक्टर राजशेखर ने कानपुर मेट्रो का निरीक्षण किया और पाया कि आईआईटी से मोती झील के बीच संचालित मेट्रो में 10 से 12 यात्री ही एक बार में सफर कर रहे हैं। तो सुविधाओं का जो औचक निरीक्षण हुआ, इसके लिए उन्होंने मोती झील से आईआईटी के बीच तक का सफर किया कि पाया मेट्रो पर आई और यात्रा सुगम व आरामदायक रही। सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे, निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ड्यूटी कर रहे थे। मेट्रोस को प्रमोट करने के लिए नो टेम्पो ऑटो जोन करने पे भी विचार हो रहा है, क्योंकि मेट्रो के रूट पर ज़्यादातर लोग टेम्पो और ऑटो में ही सफ़र करते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस पे इनका किराया भी कम है और समय भी, अगर आप मेट्रो से कंपेयर करें, क्योंकि आपको पहले आपको चढ़ के ऊपर जाना होगा, टिकट लेना होगा, उसके बाद हो सकता है टाइमिंग के लिए वेट करना पड़े। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपके जो ऑटोज और टेम्पोज हैं वो आपके किराए में भी सस्ते हैं और आपको कम समय में भी पहुंचा देंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि ऑटो टेम्पो की वजह से काफ़ी अधिक जाम लगता है, तो इसके वजह से हो सकता है जाम वगैरह में लोगों को राहत मिले। लेकिन अगर हम बात करें आपके मेट्रो प्रोजेक्ट की कानपुर के लिए, तो ये एक प्रश्न का विषय है कि जहाँ पे ऑलरेडी इतनी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इतनी बड़ी समस्या है, रोड के हाल अभी भी काफ़ी खस्ता हाल है, तो ऐसे में इतनी बड़ी लागत के साथ मेट्रो प्रोजेक्ट बनाना एक फ्यूचरिस्टिक विजन है, लेकिन ये कितना सफल हो पाता है, ये एक प्रश्न है जो हमें भविष्य में ही जिसका जवाब मिल सकता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आपके जो मेट्रोज हैं इतने कम यात्री के साथ आपके लॉस में चल रहे हैं, और कितने समय तक आपकी सरकार इसको सस्टेन कर पाती है ये हमें देखना होगा, और फ्यूचर में किस तरह से इसको प्रमोट किया जा सकता है आपका। मगर फिर अगेन, अगर ऑटो टेम्पो बंद करते हैं तो ये कहीं ना कहीं जो ऑटो और टेम्पो है उसके थ्रू आपका जो एम्प्लॉयमेंट है उसको इफेक्ट करेगा, अगर रूट्स वगैरह भी डाइवर्ट होते हैं तो उस केस में भी। तो ये आपका एक प्रश्न है जो कि हमें भविष्य में ही जानने को मिलेगा कि क्या होता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तो डेवलपमेंट्स की बात करते हुए, नव भारत टाइम्स की आपकी ये रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कानपुर इन्वेस्टर मीट में 5500 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ। न्यू कानपुर सिटी प्रोजेक्ट में निजी निवेशकों की खासकर दिलचस्पी है। कानपुर के बिठूर में 20 जनवरी को कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए के इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ। इसमें जो आपके निजी निवेशकों और कानपुर विकास प्राधिकरण के बीच 5500 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। निजी निवेशकों ने यहाँ जो रुचि दिखाई है उसमें वहाँ पे ये एक ग्रुप हाउसिंग, 5-स्टार होटल, अस्पताल और स्कूल बनाना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट कानपुर में शुरू हो जो कानपुर को इंडस्ट्रियली और इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करने में हेल्प करें। आपके इस बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे थोड़ा मौसम की बात करें तो अमर उजाला की इस रिपोर्ट के अनुसार मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज रात से मौसम बदल सकता है। 4 दिन तक बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने एक और चेतावनी दी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो मौसम विभाग के अनुसार न सिर्फ बारिश बल्कि ओले पड़ने की भी संभावना है, और ओले पड़ने से आपके ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा अभी ठंड जाना ही शुरू हुई है, लेकिन गर्मी भी इस बार
प्रचंड पढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आमतौर पर जून में सक्रिय होने वाले अल नीनो की हलचल प्रशांत महासागर में अभी से बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस बार काफी ज्यादा गर्मी पड़ने के भी आसार हैं। तो ये थे आज के समाचार आपके कानपुर न्यूज़ से रिलेटेड। आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या आप इस तरह की वीडियोस और देखना चाहेंगे? और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा अगर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।